अवल स्टार्ट भाई शिकार करके आ गए। चलो जी जिसके लिए हम आए। पशु ये अब हम हेलो जी आमिर सिल्वर है ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ पर छत्ता भी है अगर जी जी नजर आ रहा। हाँ हाँ बिल्कुल छत्ता भी है। रशीद कैसे लग रहे मैम? मजे के मैम। बड़ी हॉट सेलिंग हो रही है। कितने के जी दोस्तों? ये देख लीजिए पिंक करें अपने छुट्टी के टनल में कौन कौन से इन्होंने जो है ना सब्जियां और इतनी मछली के हम। रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आए हुए चकबेली पर एक गांव में जहां पर शौकत साहब ने की है ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग। लेकिन इस वक्त ये जो है ना ये मर्ची है। अभी हम आपको दिखाएंगे, आपको डैम भी लेके जाएंगे ठीक है, स्ट्रॉबेरी की भी दिखाएंगे और टनल फार्मिंग भी दिखाएंगे तमाम तर। वैसे हम शौकीन नहीं है थोड़े ज़्यादा लंबी वीडियो की, लेकिन आज जो है ना आप देख ले, ज़रा मेहरबानी होगी हमारे लिए देख लेना कि हम वीडियो कैसे बना रहे हैं। इसमें बहुत ही मुफीद और मालूमती बात है ठीक है भाइयों। चलो जी ये देख रहे हैं, ये आज स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल था। स्ट्रॉबेरी कुछ स्ट्रॉबेरी जो है ना ये तैयार है, इन्होंने तोड़ दिए और कुछ ये अभी तैयार होने वाली है जिस तरह के आप देख रहे हैं ठीक है। ये ऑर्गेनिक है यहाँ, ये बिल्कुल मतलब ज़ीरो पेस्टिसाइड है। ये बाकी टनल्स वगैरह भी आप देख रहे हैं, ये ड्रिप इरिगेशन हुआ है। ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए जो है ना ड्रिप इरिगेशन का फ़ायदा ये है ना कि इसमें पानी ज़ाया नहीं होता, कीचड़ ज़्यादा नहीं बनता ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक पानी दिया जाता है। और ये कितने के जी के पैकिंग कर रहे हो? 1.5 kg। अच्छा ठीक है, 1.5 किलो और 3 किलो का पैकिंग कर रहे हो। चलो जी जिसके लिए हम आए थे ना उसका पल कार है। सब वो कहते हैं ना सबर का पल मीठा होता है, बिल्कुल वाकई मीठा है। खाई जरा कैसे नन? बहुत हमने तो खा लिए लेकिन आप लोगों के सामने भी जो है ना सिर्फ दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मोहतरम दोस्तों ये देख लीजिए पिंक चाय है, पिंक टी, और ये जो है बिल्कुल यहाँ के बाड़े के खालिस दूध में बनी हुई है। और ये मेरा तीसरा गिलास है। वो यहाँ पर जो है ना सारे लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं। अब हम जा रहे हैं डैम की तरफ ठीक है। ये टनल है, टनल आपको दिखाएंगे, टनल में कौन कौन से इन्होंने जो है ना सब्जियाँ और फ्रूट्स लगाए हुए हैं। माशाल्लाह जी सीन देख लीजिए, ये डैम है सामने, यहाँ पर शिकार करेंगे। ये भाइयों देख लीजिए ये अब हमारे लिए जो है ना शिकार हो रहा है ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नसीब तो हमारा बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखते कि क्या निकलते हैं। सामने किसी का अपना ही डैम है ठीक है, और ये जिसकी स्ट्रॉबेरी का फार्म है उसी का ही डैम है, साथ किसी और का भी है। यहाँ पर फैमिली के साथ लोग आए हुए हैं और देखते हैं इंजॉय करें अपने छुट्टी को। कैसे जनाब टेस्ट कैसा है फिश का? अच्छा जी को किए हैं जनाब, हमारी तरफ भी देख ले ज़रा। अच्छा। और क्यों भाई शिकार करके आ गए हो? हाँ ये शिकार है जनाब, राजा शौकत साहब का डैम है जी जी। डैम के लिए ऑर्गेनिक मछली है, फिश। हाँ फिश देखें, बिल्कुल फ्रेश है फिश, बिल्कुल फ्रेश मछली है ठीक है। ये देख लीजिए अभी इसमें ये सारे सिल्वर है, इसमें कोई और नहीं है डैम में? जी रोहू बराती। अच्छा अच्छा रोहू भी है, अच्छा ग्रास भी है। हाँ अच्छा ये भाई डैम का नज़ारा कीजिए, ये बिल्कुल जो है ना ये यहाँ जो आप मछलियाँ देख रहे हैं ना ये इसी डैम की है ठीक है। ये बारिशी पानी है, बारिश का पानी है। वो सामने जो है ना शिकार कर रहे हैं हमारे जवान। हेलो जी आमिर साहब के फार्म के जो है ना गर्मा गर्म मछली आ गई। और इसमें एक अच्छी बात ये है ना ये जो है ना ये आयल भी जो है ना ये भी अपने सरसों का आयल है ना, सरसों का आयल भी अपना ही है और मछली भी अपने ही डैम के सामने डैम भाइयों सरसों के देख लें ठीक है। ये जो अभी आप हमने फिश का है ना वो इसी सरसों के थे ठीक है। हेलो आगे चलते हैं, आमिर साहब साथ दे रहे हैं जी। आमिर साहब बताएं ना ये क्या मतलब फ़ायदे इतने खर्चे करके ना इसका क्या फ़ायदा है आम लोगों को बताएं ताकि वो अगर मतलब हो सके वो भी मोटिवेट हो कि ये काम शुरू कर ले। जी टनल फार्मिंग है इसमें खीरा शिमला टमाटर जी जी जो सेल्फ पॉलिनेट वराइटियाँ होती हैं ना जी जी जिनको क्रॉस पॉलिनेशन की नहीं ज़रूरत होती, जिन बीजों को जी जी जो कपड़े के अंदर फल दे देते हैं ये वो इसमें सब्जियाँ लगती हैं। ये
आप देखें जहाँ खड़े हैं ना तेज हवा चल रही है जी जी, तो ऐसी जब गर्मी में हवाएं चलती हैं ना तो फ्रूट को स्क्रैच आ जाते हैं, दाग वगैरह, और क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ये एंटी इंसेक्ट नेट उसके ऊपर होता है, हवा तो इसको लगती है, बारिश भी अंदर जाती है, लेकिन वो बारीक नुकसान नहीं पहुँचाता। और इस समय बाहर से वाइट फ्लाई खासकर और दूसरे जो कीड़े हैं फ्रूट फ्लाई वगैरह या इस तरह के, वो बाहर से अंदर बचा रहता है। जी बारिश में भी हैवी तूफान में भी, तो इसके अंदर फ्रूट क्वालिटी जो है बहुत कम कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया। नंबर दोगे अपना? जी नंबर, हाँ हाँ, क्योंकि लोग जो है मशवरे के लिए आपको कॉल भी कर सकते हैं जो बताएं। ठीक है, शुक्रिया। 512 427 और आप शोकत साहब का फार्म है, और शोकत साहब बताएं ना, आपने हवाले से ही बताया, इसके हवाले से ही बताया। बड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम निकाला, आपने पैसा लगाया और आप आगे, ये आपकी मोहब्बत खींच कर लाइए। सरमाया आप लोग हमारे जो हमें आप लोग हमारे लिए ऑक्सीजन है। शुक्रिया। यहाँ आते हैं तो हम दोबारा जो हमारी ऑक्सीजन लो हुई होती है वो दोबारा हम ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। हमने भी जब रिटायरमेंट नजदीक आई तो हमने सोचा कि अब क्या किया जाए, या तो हम अपने बच्चों के पास बाहर वाले मुल्कों में चले जाते और वहीं पे मर जाते, दूसरा ये था कि हम अपने गांव में अपने लोगों के साथ मरे और किए। जी जी, तो वी ऑप्टेड दिस कि हम अपने गाँव में आ गए। और फिर हमने ये 3-4 साल हो गए मुझे ये फार्म जो है वो चलाते हुए, और अभी ये जाके आपके सामने है कि हमने इस वक्त फार्म में कौन कौन सी सब्जी लगाई आपने? जी आजकल तो ब्लूम पे है जी, स्ट्रॉबेरी आपने देखी होगी। जी स्ट्रॉबेरी के हमने बना ली, स्ट्रॉबेरी का आज एनुअल हमारा जो है वो फेस्टिवल भी था जी, जी, बड़े जी। लोग आए हुए थे, बड़े बड़े लोगों की जो है वो मेहरबानी है कि जी देखिए आपको एडमायर मोटिवेट किया, और उन्होंने हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया वो ही है। हकीकत ये है जी जी कि ये एक ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे जो पुराने लोग इस फील्ड में हैं वो आपको पुल करते हैं, पुश नहीं करते आपको। बाकी जितना भी आप जिसमें इंडस्ट्री में चले जाएंगे, को रबड़ बनाने टायर वालों के पास है, वो कहेगा ये तो बड़ा ही गंदा बिजनेस है यार, भागो इधर जी। जो गाड़ी बना रहा है वो कहेगा गाड़ी में ना आना जी जी। तो ये वाहिद एक फील्ड है जहाँ पे लोग जो पहले बैठे हुए हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं, वेज बताते हैं आपको। अदरवाइज हम लोग जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। रिवार्ड ये है कि जब आपके से भाई हमारे पास आ जाते हैं और वो हमें मोटिवेट करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड। टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हुए ना यहाँ पर, तो अभी मैम हमें जो है ना ब्रीफ करेगी। मैम बताएं ना कौन कौन से शहद है आपके पास? ये सारे जंगली शहद है, ठीक है? ये सारे हमारे जंगल के शहद हैं, डिफरेंट वैरायटीज के। जी जी, अकेशिया का भी है हमारे पास, बेर का भी है। अच्छा जी, ये कीकर के भी पड़े हुए हैं। कीकर के ये? अच्छा जी जी, ये हम सब जंगल से उतार के लाते हैं। अच्छा, हम अपने बंदों को भेजते हैं और जंगल के अंदर डीप जाके दरख्त से उतार के लाते हैं। जी जी, उनको पैकेजिंग कर देते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं इसके अंदर वो भी है, छत्ता भी है। जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल, छत्ता भी है, तो हम साथ छत्ता भी देते हैं। जी जी, तो ये पाव जो है ये 1000 का है। ये वाला ये भेर वाले या मिक्स है? ये मुझे लगता है मिक्स होगा। अच्छा, ये मिक्स होगा, इसमें सिर्फ आपके पास बेर वाले यही है? ये बेर वाला है। अच्छा जी, ये 1 kg है तो 4000। अच्छा, अच्छा, ये नंबर में जरा, ये ग्रीन हाउस फार्म्स। और अच्छा, ये अच्छा अच्छा, तो वैसे भी शहद भी मीठा होता है, शहद से मीठा कुछ हो जाए। ठीक है, शुक्रिया। ये मेहमान जो है ना टेस्ट कर रहे हैं शहद, कैसे लग रहे हैं मैम? मजे के, माशाल्लाह। अच्छा जैद साहब बताएं ना, आपने हवाले से भी कुछ बताया आप? हमें जी किसान की दुकान जी, और किसान की दुकान जैसा नाम है वही हमारा मकसद है जी, कि किसान से फ्रेश एंड प्योर प्रोडक्ट्स लाके अपने कस्टमर ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक कह लें या खालिस और देसी कह लें आप? ठीक है सर, क्योंकि ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड मीट करना आसान नहीं है, आसान काम नहीं है। तो खालिस और देसी प्रोडक्ट, फ्रेश प्रोडक्ट, जी अपने किसानों को उसकी मेहनत का असल सिला मिले जी, और कंज्यूमर को फ्रेश प्रोडक्ट मिले। अभी आपके पास क्या क्या अवेलेबल है इस टाइम? आज तो स्ट्रॉबेरी है जी, अलावा चकवाल का ऑलिव ऑयल है। अच्छी, ठीक है। हमारा खालिस शहद है, देसी घी है जी, हमारे पास देसी दूध होता है, देसी मक्खन शॉप पर जी, और शॉप पर सारी चीजें इसी किस्म की है। ठीक है सर, आपको इन्वाइट कर रहे हैं, ये काफी दफा किया हुआ है। नहीं, इंशाल्लाह आएंगे हम। बड़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जी जी। सलाजीत के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन सलाजीत को आपको पता है खाना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, बहुत हार्ड गोंद होती है जी। तो हमारे दोस्त है अशरफ लेबोरेटरी वाले, इन्होंने सलाजीत को, शहद को और रोज वाटर को लेके साशे बना दिए। अच्छा अच्छा, तो साशे से आप आराम से आप डाल सकते हैं पानी में, चाय में, और इसको पी सकते हैं। ये हमारी वेरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जी। अच्छा। इससे लोगों के जोड़ों के, ये क्या है सर? सब ये आप अच्छा, ये भी आयल है, ठीक है। अच्छा, ये सरसों के जी जी। अच्छा, मैं ये चकवाल का, ठीक है, ये तो चकवाल, ये सरसों का आयल हो गया। प्राइस बताओगे जाहिद साहब? प्राइस बताओगे सरसों के तेल का? 650 रुपीज़। हाँ जी, आधा किलो लीटर, अच्छा एक लीटर, ठीक है सर जी। ये दिखाए ना, इसमें कुकिंग में स्मेल आती है। अच्छा, पहले प्रोसेस करना पड़ता है। ये पंजाब ऑयल मिल की प्रोडक्ट है, ये भी खालिश सरसों है, इसमें स्मेल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, पकाने के लिए।